पीटीआई की पार्टी है, ये पीटीआई की पार्टी जी, जलसा पीटीआई का हो रहा है जी। जी यार, ये बंदा मैं वाल बंदा देख रहा हूँ, लाइक इमरान खान साहब को करता है, दुआ जहांगीर तरीन के लिए कर रहा है, और जो आने की दुआएं हैं वो नवाज शरीफ के लिए कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ग्रेट पाकिस्तान में आप दोस्तों को खुश आमदीद, मैं हूँ आपका दोस्त उस्मान चौधरी। आज हम मौजूद है जिला खानेवाल की सबसे बड़ी तहसील जहानिया के अंदर। आज यहाँ एक जमे गफीर बहुत बड़ा क्राउड है, जहांगीर तरीन ने जमा किया है। आज हमारे कारकुनान है, उनसे रब्ता करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक का करम है जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नबीद। नबीद भाई, आप ये कौन सी पार्टी है? ये पीटीआई की पार्टी है। ये पीटीआई की पार्टी जी, जलसा पीटीआई का हो रहा है जी। जी अच्छा, आप किसको सपोर्ट करते हैं? पीटीआई को करते हैं। तो फिर ये जलसा तो यानी काम पाकिस्तान का हो रहा है जी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बस इंजॉय करने आए हैं खानेवाल से, यहाँ पे घूमने के लिए। हमने क्या देखते हैं जाके क्या माहौल है यहाँ पे जहानिया में, फिर उस हिसाब से आगे। आपको आने वाले दिनों के अंदर क्या लगता है यार, जहांगीर तरीन आप यानी कामयाब होगा? कोशिश तो बहुत कर रहे हैं जी, इंशाल्लाह पाक इनको दे जी कामयाबी। अच्छा, आप इंशाल्लाह आप इनके लिए कह रहे हैं, लेकिन आपके दिल के अंदर खान साहब है, ये क्या मामला है? बस हर किसी के लिए दुआ करनी चाहिए जी दिल से। अगर आप अच्छा सोचो, आप लास्ट पे क्या पैगाम देना चाहेंगे अवाम, यानी कि किसको अवाम को ज्यादा किसको आगे ले करना चाहिए, खान साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, नवाज शरीफ को, या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को? जी अब तो नवाज शरीफ को आना चाहिए जी, क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में पहले। यार ये बंदा मैं वाल बंदा देख रहा हूँ, लाइक इमरान खान साहब को करता है, दुआ जहांगीर तरीन के लिए कर रहा है, और जो आने की दुआएं हैं वो नवाज शरीफ के लिए कर रहा है। भाई आप यानी एक के साथ दे, आप बताएं किसका साथ देना चाहते हैं? पहले इमरान खान का सपोर्टर थे, अब नवाज शरीफ के। तो अब आप दुआ जहांगीर तरीन के लिए कर रहे हैं, जिसके सपोर्टर होते हैं उसके लिए दुआ करते हैं? अब इनके जलसे में आया ना, तो इन्होंने इतनी मेहनत किया, तो अल्लाह पाक इनको भी तरक्की दे ना। हर बंदे को मिलना चाहिए मौका।